मेंडल्स थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मेंडल का तीसरा कानून विरासत, कायदे आज़ाद किस्मबंदी। मेंडल के तीसरे कानून विरासत को कायदे आज़ादाना मुंतकली या कायदे पाबंद तरतीब भी कहते हैं। द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट दैट व्हेन टू पेरेंट्स डिफरिंग फ्रॉम ईच अदर इन टू और मोर पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रेस्टिंग कैरेक्टर्स आर क्रॉस्ड, देन द इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। कायदे आज़ाद किस्मबंदी बताता है कि जब दो हमजगती होमोजाइगस इनफरादी मटर के पौधे की तकाबुली खसूसियात की दो जोड़ियों को मद्देनज़र रख कर क्रॉस कराने पर आज़ादाना तौर से एक खसूसियत अगली नस्ल में ज़ाहिर होती है, यानी उनका तवारुस एक दूसरे पर मुनहसिर नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, वेन वी क्रॉस अ प्योर टॉल रेड फ्लावर पी प्लांट विथ अ प्योर डॉर्फ वाइट फ्लावर पी प्लांट, अ क्रॉस बिटवीन टू होमोजाइगस इंडिविजुअल्स डिफरिंग इन टू कैरेक्टर्स इज कॉल्ड अ हाइब्रिड क्रॉस। एक मटर का पौधा जो दराज कद लाल रंग के फूल वाला, उसका मिलाप एक पस्त कद सफ़ेद फूल वाले पौधे से कराने पर F1 जनरेशन मखलूत यानी टॉल रेड हासिल होती है। मंदरजा बाला वालदैन के इख्तलात के बाद F1 नस्ल में मखलूत दराज जर्द रंग के फूल हासिल होते हैं। वी गेट 9 टॉल रेड 3 टॉल वाइट 3 डॉर्फ रेड एंड 1 डॉर्फ वाइट प्लांट इन द F2 जनरेशन। F1 जनरेशन का दोबारा इख्तलात कराने पर F2 जनरेशन में 9 पौधे टॉल रेड 3 पौधे टॉल वाइट 3 पौधे डॉर्फ रेड और 1 पौधा डॉर्फ वाइट हासिल होता है। इसका फीनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 हासिल होता है और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:2:4:1:2:1:2:1 हासिल होता है। फ्रॉम द अबव रिजल्ट्स इट इज़ ऑब्वियस दैट द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर ऑफ टॉलनेस इन नो वे लिंक्ड विद द रेड कलर ऑफ द फ्लावर। सिमिलरली द कैरेक्टर ऑफ डॉर्फनेस इज नॉट लिंक्ड विद द वाइट कलर ऑफ द फ्लावर। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द अबव क्रॉस द टू पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। इन अदर वर्ड्स देयर इज़ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ कैरेक्टर्स ड्यूरिंग इनहेरिटेंस। वालदैन में दराज कद लाल रंग के साथ जुड़ा हुआ है और पस्त कद सफ़ेद रंग के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन F2 जनरेशन में दराज कद सफ़ेद फूलों के साथ और पस्त कद लाल रंग के फूलों के साथ जुड़ा हुआ ज़ाहिर होता है। इससे ये वाज़े होता है कि खुसूसियत जो वालदैन में मौजूद होती है इनफरादी तौर पर हर नस्ल में बग़ैर मुतासिर किए के अलाइदा हो जाती है। इसलिए मुमकिन है कि वालदैन के खवास या जीन इख्तलात के दौरान अलाइदा हो जाते हैं। इसलिए कायदे आज़ाद किस्मबंदी की रूह से एक इनफरादी ज़ी हयात की एक खसूसियत किसी दूसरी मखसूस खसूसियत से जुड़ी नहीं रहती, लेकिन हर एक खसूसियात इनफरादी तौर से F2 जनरेशन और दीगर नस्लों में ज़ाहिर होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल।